आज हम ड्राई रन ऑफ मॉड्यूलस के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले जानते हैं मॉड्यूलस होता क्या है। जब हम डिवीज़न करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर बचता है उसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। पहले हम इन सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हम और मॉड्यूलस को और अच्छे से समझ पाएँ। तो हम 2 मॉड्यूलस बाय 3, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका आउटपुट 2 आएगा, क्योंकि जो हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है, जो 3 की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। अगर इधर की वैल्यू बड़ी होती है तो वो एज इट इज़ स्मॉल वैल्यू को प्रिंट कर देता है, मतलब आउटपुट दे देता है हमें स्मॉल वैल्यू का। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11 मॉडुलस बाय 3, ये 3 बार डिविजिबल होगा और इसका आउटपुट आएगा 2, तो इसका रिमाइंडर बचा 2। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 12 मॉडुलस बाय 3, तो ये 4 बार डिविजिबल होगा और इसका आउटपुट आएगा 0, तो इसका आउटपुट आया 0। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में x की वैल्यू 12 दी है और कंडीशन दी है x डिविजिबल बाय 6 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करें मल्टीपल ऑफ 3, एल्स वरना प्रिंट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हम इसका ड्राई रन करते हैं इस प्रोग्राम का। तो x की वैल्यू 12 और कंडीशन दी है हमें 12 डिविजिबल बाय 6 इक्वल टू 0। जब हम 12 मॉडुलस बाय 6 करते हैं तो इसका आउटपुट आएगा 0 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है ट्रू, 12 6 से डिविजिबल है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए x की वैल्यू ले लेते हैं 15। तो इफ 15 मॉडुलस बाय 6 इक्वल टू 0, तो इसका आउटपुट आएगा 3 इक्वल टू 0। तो जो ये हमारी कंडीशन है ये हो गई फॉल्स। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसमें इस प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर है, अगर हम x मॉडुलस बाय 6 की वजह अगर हम 3 करते तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती। सो थैंक यू फ्रेंड्स।